हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा का मंत्रिमंडल। तो जितने भी आपके मंत्री हैं, ठीक है, चाहे वो कैबिनेट हैं चाहे वो राज्य मंत्री हैं, तो सभी के बारे में हम बात करेंगे, किसको कौन कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ऑफिशियल डेटा से हम करेंगे, एक वीडियो में पहले भी डाल चुका हूँ इसकी ट्रिक के साथ, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें हम उसमें बात कर चुके हैं कि कब विधानसभा आपकी बनी थी, कौन से नंबर की हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, क्लियर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे आपका मंत्रिमंडल, तो जो आपकी ऑफिशियल साइट है वहाँ से हम देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हरियाणा से सीईटी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सीएम साहब के बारे में। यहाँ पर जो आपके मंत्री हैं वो 14 हैं जो हम पढ़ेंगे, जिसमें से 8 आपके कैबिनेट मंत्री हैं प्लस 4 राज्य मंत्री हैं और 1 सीएम और 1 डिप्टी सीएम। तो हम ये 14 के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम वीडियोज़ में पहले पढ़ चुके हैं, केवल यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बारे में। ये कौन है मुख्यमंत्री हैं, इनकी पार्टी कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी है और चुनाव क्षेत्र कहाँ से है, करनाल से है, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद डिपार्टमेंट आप लोगों को देखने, विभाग इनके पास कौन कौन से हैं। देखिए, विभाग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सभी के याद कर लो। उसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो सारे किसके पास है, यानी कि जो किसी और के पास नहीं है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट किसके पास है, मुख्यमंत्री जी के पास है। किसके पास है, मुख्यमंत्री जी के पास है। तो ये आप देख लेंगे, सारे विभाग जो किसी अन्य के पास नहीं है, तो अन्य वाले याद कर लें तो इनके तो अपने आप ही आपको हो जाएंगे। तो ये सारे याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, कितना रट्टा मारेंगे, तो इससे अच्छा है कि औरों के आप याद कर लें। तो आप देख लेंगे सारे के सारे इनके पास हैं। वित्त सहित जितने भी विभाग हैं जो किसी और के पास नहीं है वो किसके पास है, मुख्यमंत्री जी के पास है। तो वित्त, नगर, सिंचाई हो गया, लोक संपर्क हो गया, योजना, न्याय प्रशासन, वास्तुकला, सामान्य प्रशासन, गुप्तचर, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, राजभवन मामले, सामाजिक न्याय, युवा सशक्तिकरण और खेल से संबंधित, ठीक है। बाकी सभी के हम पढ़ेंगे, तो उसके अलावा सारे किसके पास होंगे, मुख्यमंत्री के पास होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्टी सीएम यानी कि श्री दुष्यंत चौटाला जी के बारे में। उप मुख्यमंत्री हैं। विवरण बात करें तो पार्टी जननायक जनता पार्टी है और चुनाव क्षेत्र है उच्चाणा, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो चुनाव क्षेत्र है वो कहाँ से है। अब विभाग के बारे में हमें बात करनी, तो इनके पास 7 विभाग हैं। कितने विभाग हैं, 7 विभाग हैं, तो 7 विभाग आपको याद करने हैं। तो कैसे याद करेंगे, ट्रिक मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो सबसे पहला है राजस्व और आपदा प्रबंधन, दूसरा है आबकारी एवं कराधार, तीसरा है उद्योग एवं वाणिज्य, फिर चौथा है लोक निर्माण, पांचवा है खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, छठा है सिविल विमानन और पुनर्वास। अब देखिए याद कैसे करें, दुष्यंत राजा याद करेंगे, दुष्यंत राजा तो राजा से बन जाएगा राजस्व। अब उद्योगों का दुष्यंत राजा, अब कैसे करेंगे, दुष्यंत राजा अब उद्योगों, अब उद्योगों, तो अब से बन जाएगा आबकारी एवं कराधार, उद्योगों से बन जाएगा उद्योग एवं वाणिज्य, उद्योगों का निर्माण करेंगे, क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, तो निर्माण से बन जाएगा लोक निर्माण, तो निर्माण करेंगे ताकि जो आपके नागरिक हैं, ताकि नागरिक हैं, ताकि नागरिक, ये नागरिक से बन जाएगा खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ते मामले, ताकि नागरिक सिविल विमान में, तो सिविल विमान से बन जाएगा सिविल विमानन से वास जाए, तो वास से बन जाएगा पुनर्वास। तो ये तरीका आप लिख लेंगे, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, दुष्यंत राजा अब उद्योगों का निर्माण करेंगे ताकि नागरिक सिविल विमान से वास जाए। तो ये 7 डिपार्टमेंट इनके पास है, तो 7 तो आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कैबिनेट मंत्री के बारे में। तो 2 हमने पढ़ लिए, पहला सीएम फिर डिप्टी सीएम। अब हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री हैं 8 हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनिल विज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अनिल विज, इनका विवरण भारतीय जनता पार्टी है और जो चुनाव क्षेत्र है वो कहाँ से, अम्बाला कैंट से है,
अब इनके पास देखिए डिपार्टमेंट की बात करें तो हम डिपार्टमेंट इनके पास चार डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट हैं? चार डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से हैं तो याद करेंगे, गृह, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? गृह, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आयुष। गृह, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आयुष। तो आज चार डिपार्टमेंट इनके हो गए। नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री की बात करें तो हम कंवर पाल, कौन है? कंवर पाल। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कंवर पाल मंत्री है, विवरण है भारतीय जनता पार्टी, और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो कौन सा है? जगाधरी। कौन सा है? जगाधरी है। तो कंवर पाल के जो डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, बाकी हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, हमें सिर्फ विभाग देखने हैं। तो पांच विभाग हैं, तो पांच कौन कौन से हैं? सामाजिक शिक्षा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक शिक्षा पूछा जाएगा, किसके पास है? कंवर पाल के पास है। शिक्षा के साथ साथ वातावरण, वन्य एवं वन्य जीव, विरासत, पर्यटन, देखिए उसके अलावा संसदीय मामले और सत्कार। ठीक है, ये पांच डिपार्टमेंट आपको याद रखने हैं, सामाजिक शिक्षा, वन एवं वन्य जीव, वातावरण, ठीक है, वातावरण से संबंधित है, विरासत, पर्यटन, संसदीय मामले, सत्कार। तो सामाजिक, वातावरण, पर्यटन, संसद, सत्कार, तो पांच आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और चुनाव क्षेत्र कहाँ से इनका? बल्लभगढ़। ठीक है, चुनाव क्षेत्र कहाँ से है? बल्लभगढ़ से है। तो ऑफिशियल डेटा है सारा का सारा, बाकी पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ ट्रिक के साथ। तो विभाग की बात करें तो चार विभाग हैं इनके पास, मूलचंद जी के पास, तो कौन कौन से हैं? परिवहन, खान एवं भू विभाग, निर्वाचन और उच्च शिक्षा। ठीक है, उच्च शिक्षा की बात करें तो मूलचंद जी के पास है, सामाजिक शिक्षा की बात करें तो कंवर पाल के पास है। तो परिवहन, खान, निर्वाचन, उच्च शिक्षा, परिवहन, खान, निर्वाचन, उच्च शिक्षा। ठीक है, तो जो मूलचंद थे परिवहन में गए, खान में, और खान से क्या किया? निर्वाचन, उच्च शिक्षा का, इस तरीके से भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे मंत्री हैं अगले कैबिनेट मंत्री, तो ये कौन है? रणजीत सिंह। कौन है? रणजीत सिंह हम याद करेंगे। इनकी पार्टी कौन सी है? निर्दलीय है, चुनाव क्षेत्र रानिया है। कौन सा है? रानिया है। तो इनके विभाग की यदि हम बात करें तो बाकी हमारे काम का नहीं है, सिर्फ दो विभाग हैं। कौन कौन से हैं? ऊर्जा और कारागार। ठीक है, ऊर्जा और कारागार। रणजीत सिंह के पास कौन कौन से विभाग हैं? कारागार और ऊर्जा। कौन से हैं? कारागार और ऊर्जा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जयप्रकाश दलाल, तो फोटो में आप देख सकते हैं जयप्रकाश दलाल, इनके बारे में बात करें तो मंत्री हैं, कैबिनेट, भारतीय जनता पार्टी है, लोहारो इनका चुनाव क्षेत्र है। कौन सा है? लोहारो। डिपार्टमेंट की पदी हम बात करें अब जयप्रकाश जी के बारे में, तो इनके जो डिपार्टमेंट है इनके पास भी चार विभाग हैं। कौन कौन से हैं? कृषि तथा किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य, कानून एवं विधायक। अब देखिए कृषि, पशुपालन, मत्स्य एक जैसे हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ठीक है, एक अलग याद रखना है आपको, कानून एवं विधायक। तो कानून भी याद कर लेंगे, बहुत है। तो जयप्रकाश, कृषि, पशु, मत्स्य, कानून। अगले कैबिनेट मंत्री के बारे में हम बात करें तो बनवारी लाल। कौन है? बनवारी लाल है, तो इनका जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, तो बनवारी से बावल, वैसे बनवारी, वैसे बावल याद कर लेंगे। और इनके विभाग की यदि हम बात करें, देखिए विभाग इनके पास दो हैं बनवारी लाल जी के पास, कौन कौन से हैं? सहकारिता और दूसरा है जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी। दो हैं सहकारिता और जन स्वास्थ्य, दो याद कर लेंगे, बनवारी लाल, सहकारिता और जन स्वास्थ्य। अगले हम बात करते हैं कमल गुप्ता। कौन है? कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री हैं ये भी। इनकी यदि हम बात करें तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और कमल गुप्ता जी जो हैं चुनाव क्षेत्र कहाँ से? हिसार से हैं। इनके विभाग की यदि हम बात करें तो सारा का सारा ऑफिशियल डेटा है, तो दो ही हैं कमल गुप्ता के पास। कौन कौन से? शहरी, स्थानीय और सभी के लिए आवास है। तो शहर में सब चाहते हैं कि हमारा मकान बन जाए, ठीक है, तो शहरी, स्थानीय निकाय और सभी के लिए, हाउसिंग फॉर ऑल, तो कौन है? कमल गुप्ता। ठीक है, तो दो याद रखने हैं, कमल गुप्ता, शहरी और हाउसिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री यदि हम बात करें तो देवेंद्र सिंह बबली,
कौन है? देवेंद्र सिंह बबली, मंत्री हैं, पार्टी इनकी है जननायक जनता पार्टी, और ये टोहाना से हैं। चुनाव क्षेत्र की बात करें तो टोहाना। इनके विभाग की बात करें तो बनवार, ये बबली जी के जो हैं एक ही विभाग हैं, तो वो है विकास एवं पंचायत, विकास एवं पंचायत। तो एक ही विभाग है विकास एवं पंचायत। तो कैबिनेट मंत्री की हमने बात कर ली, अब हम मंत्री के बारे में बात करते हैं। चार राज्य मंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हैं ओम प्रकाश यादव, ओपी यादव भी मिलेगा या फिर ओम प्रकाश यादव मिलेगा, राज्य मंत्री हैं, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और ये कहाँ से है? चुनाव क्षेत्र नारनौल से हैं। इनके यदि विभाग की बात करें, देखिए इंडिपेंडेंट इनके पास अलग मिलेंगे, बाकी ये स्वतंत्र अलग मिलेंगे, बाकी अटैच मिलते हैं। जैसे पहला हो गया सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अंत्योदय, और सीएम के साथ अटैच हैं ये। इस मामले में किसके साथ अटैच हैं? सीएम साहब के साथ अटैच हैं। स्वतंत्र कार्यभार इनके पास एक है, सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण, ठीक है। ओपी ओम प्रकाश यादव, तो सैनिकों को हम हमेशा याद करते हैं क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो याद से याद कौन करते हैं? सैनिक करते हैं। बाकी एक अटैच है ये सीएम साहब के साथ है सामाजिक न्याय सशक्तिकरण में। अब नेक्स्ट जो राज्य मंत्री हैं वो हैं श्रीमती कमलेश टांडा, एकमात्र महिला, ठीक है। पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, और कलायत चुनाव क्षेत्र है इनका। इनके पास विभाग की यदि हम बात करें तो दो विभाग हैं इनके पास, पहला है महिला एवं बाल विकास, ठीक है, स्वतंत्र है कार्यभार है दोनों के दोनों, और दूसरा है अभिलेखागार, महिला एवं बाल विकास और अभिलेखागार, एकमात्र महिला राज्य मंत्री याद कर लें। अगले हम बात करें तो अनूप धानक, कौन है? अनूप धानक राज्य मंत्री, पार्टी की बात करें तो जननायक जनता पार्टी, और चुनाव क्षेत्र उकलाना, कौन सा है भाई? उकलाना है। विभाग की यदि हम बात करें तो विभाग हमें याद रखने हैं, चार विभाग हैं इनके पास। देखिए सबसे पहला राजस्व, राजस्व हमने पढ़ा था डिप्टी सीएम का, ठीक है, दुष्यंत राजा, तो राजा से याद किया था राजस्व, तो अटैच है उप मुख्यमंत्री के साथ। फिर नेक्स्ट है श्रम, यानी कि स्वतंत्र कार्यभार के साथ उप मुख्यमंत्री के साथ संलग्न है, तो ये भी कौन सा है? श्रम, कौन सा है? श्रम विभाग हो गया। उसके बाद है उद्योग एवं वाणिज्य, उद्योगों का विकास करेंगे दुष्यंत राजा, अब उद्योगों का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, तो उद्योग से किया था हमने उद्योग एवं वाणिज्य, तो ये भी उप मुख्यमंत्री के साथ संबंध है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, तो ये भी किसके साथ है? उप मुख्यमंत्री के साथ संबंध में, ठीक है, तो ये याद कर लेंगे, ताकि सभी नागरिक सिविल विमान से वास जाएं, तो नागरिक से बना था वहाँ पे खाद्य नागरिक। नेक्स्ट आएगा संदीप सिंह, कौन सा आएगा? संदीप सिंह राज्य मंत्री हैं, विवरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, और जो चुनाव क्षेत्र है पेहवा है, ठीक है। इनके पास विभाग की यदि हम बात करें तो विभाग एक है, कौन कौन सा है? मुद्रण तथा लेखन सामग्री, स्वतंत्र कार्यभार है, ठीक है। तो ये चार राज्य मंत्री हमने किए, कमलेश टांडा, संदीप सिंह, ओम प्रकाश यादव, अनूप धानक, और आठ कैबिनेट मंत्री, उसके अलावा मुख्यमंत्री और आपके उप मुख्यमंत्री। तो ये हमने 14 मंत्रियों के बारे में यहाँ पर पढ़ा। आपके मंत्रिमंडल जरूर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा करंट अफेयर के लिए। यदि आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो ट्रिक की वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, एक दो आपका फेरबदल हुआ है वो यहाँ पर मैंने बता दिया ऑफिशियल डेटा के साथ, क्लियर है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियोज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू।